आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीरा। ये जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूपी के प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी हरसहायमल ज्वेलर्स के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मच गया। आज सोमवार सुबह भारी पुलिस फोर्स ने हरसहायमल ज्वेलर्स के शोरूमों पर एक साथ छापेमारी की। यूपी के बरेली में हरसहायमल सराफ की कई ब्रांच हैं। बरेली के स्थानीय अफसरों को भी इस गोपनीय कार्रवाई की जानकारी किसी स्तर से नहीं दी गई थी। आयकर टीम की बड़े सराफा कारोबारी के यहाँ छापेमारी से प्रशासन के अफसरों के भी होश उड़ गए। इस बीच शहर के अन्य कारोबारियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस वक्त बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद समेत प्रदेश के अन्य स्थानों पर आयकर विभाग की टीम हरसहायमल ज्वेलर्स के शोरूमों पर एक साथ छापामार की कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई अब भी जारी है। गोपनीय रूप से लखनऊ से बरेली आई आयकर टीम ने देर रात से ही डेरा जमा लिया था। प्राथमिक सूचना के अनुसार बदायूं, लखनऊ, मुरादाबाद में भी ज्वेलर्स के प्रतिष्ठानों पर सर्च चल रही है। इनकम टैक्स में गड़बड़ियों की शिकायत के बीच यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बारे में स्थानीय अधिकारियों को पहले से सूचना नहीं दी गई थी। रविवार रात लखनऊ सहित कई अन्य जिलों की टीमों ने बरेली में डेरा जमाना शुरू कर दिया था। सोमवार को प्रतिष्ठान खुलने से पूर्व ही भारी पुलिस बल के साथ टीम में छापा मार दिया। प्रतिष्ठान के पास इतनी पुलिस देखकर आसपास रहने वाले भी दंग रह गए। पहले लोगों को लगा कि कोई विवाद हो गया। कुछ देर बाद समझ में आया कि यह इनकम टैक्स का छापा है। टीम सराफा कारोबारी के बरेली और बदायूं के घरों पर भी सर्च कर रही है। बीते दिनों लखनऊ मुख्यालय ने प्रदेश के कई बड़े सराफा कारोबारियों के यहाँ जांच की थी। इसके बाद से ही बरेली के भी कारोबारियों की जांच की बात चल रही थी। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।